फ्रेंड्स, आज हम इसी स्वेटर प्लांट पे काम करने वाले हैं और इसका हम बहुत सारा पॉट आज तैयार कर लिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम कैसे क्या काम किए हैं आगे देखते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए दो पॉट है स्वेटर प्लांट का, जो काफ़ी एक तो काफ़ी भर गया है और दूसरा कम भरा हुआ है। तो आज हम इस पौधे को रिपॉट भी करने वाले हैं। मुझे लग रहा है हम अगर इसको इसमें से निकालेंगे नहीं तो ये पॉट जो है ये फट जाएगा फ्रेंड्स, इतना टाइट हो गया है। और ये जो दूसरा वाला है ये अभी ठीक है, कुछ दिन इसमें चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है। तो देखिए, हम अभी तेज़ धूप में रख दिए थे इसलिए इसका थोड़ा पत्ता जल गया है और काफ़ी पुराना। तो फ्रेंड्स, जब पत्ता पुराना हो जाता है तब भी पूरे ऐसे काले काले होके सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पुराने पत्ते रहते हैं उसे हमें हटाते रहना चाहिए, पौधे को साफ रखना चाहिए। और जो पत्ते सूखे हुए लग रहे हैं ऊपर से हम कट कर देते हैं तो थोड़ा पॉट देखने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और अगर हम पानी की कमी करते हैं तब भी इसके पत्ते ऐसे ऊपर से सूख जाते हैं, और तेज़ धूप में रहते हैं तब भी ऐसे हो जाते हैं फ्रेंड्स, और सर्दी में भी हो जाते हैं सर्दी के ठंड के कारण। तो इसीलिए हम फरवरी में इसके अच्छे से केयर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो पूरे साल बहुत अच्छे से चलता है। अभी हमें कम धूप वाले जगह में रखना पड़ेगा और बारिश में बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे ये आ जाता है। इसमें फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसके जो जड़ होते हैं वो गल जाते हैं फ्रेंड्स। इसके जड़ कैसे होते हैं मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है और ये देखिए पॉट टूटने पे आ गया है, इसीलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसमें से निकाल के मैं अलग अलग पॉट में लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, समय के साथ हमारे पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं और इसमें देखिए ऐसे निकलते हैं ब्रांच और लटक के बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। देखिए, इसमें से मैं कुछ कट करके दो तीन दिन पहले लगाई थी और इसको जब हम हैंग करके रखते हैं फ्रेंड्स इस स्पेटर प्लांट को, तो इसमें से जो सकस ऐसे निकलते हैं, जो बगल से भी फ्रेंड्स बहुत सारे सकस निकलते हैं, और ये ब्रांच जो बेबी प्लांट ऐसे निकलते हैं तो इसको हम अलग करके लगाते हैं। अगर नहीं भी लगाते हैं फ्रेंड्स तो ऐसे हल्का सा मिट्टी में दबा देते हैं तो ये लग जाता है। अगर हम इसे नहीं भी लगाते हैं तो लटके हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसमें सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इसमें दबा देते हैं और देखिए ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें ब्रांच लटके हुए थे तो मैं कट करके लगाई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसको हैंग करके नहीं रखी हूँ। हैंग करके हम जब रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। इससे प्लांट को सर्दी में तो हम धूप में रख सकते हैं, पर फरवरी के बाद हम इसको कम धूप वाले जगह में जहाँ पे रोशनी अच्छी आए वहाँ पे रखना है। तो देखिए, इसके मैं पूरे निकाल ली हूँ और निकालना बड़ा मुश्किल था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत टाइट हो गया था। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें रिपोर्ट करना रहे तो दो तीन दिन पहले से पानी नहीं दी, जब मिट्टी सूखे रहते हैं तो अच्छे से निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अलग करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और फ्रेंड्स, इसका हम अलग करके बहुत सारे पॉट बना सकते हैं, अगर किसी को देना है तो हम दे भी सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं अलग करती हूँ और फिर नए मिट्टी में खाद डाल के फिर इसे लगाऊंगी। और इस पौधे को ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम खाद में चलते हैं फ्रेंड्स। और पानी इसको अगर हम ज़्यादा देते हैं तब भी इसके लिए नुकसानदायक हो जाता है, और इसके रूट में देखिए कितने सारे पानी भरे हुए हैं तो गल जाते हैं फ्रेंड्स, और कम देते हैं तो इसके पत्ते सूख जाते हैं। तो पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए, मैं इसको अलग कर ली हूँ और मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। और इस पॉट में मैं जो जितने भी पत्ते रूट सब टूटे हैं फ्रेंड्स उसको मैं नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि समय के साथ वो गल के खाद बन जाएगा। और इसमें मैं अभी कोई भी खाद नहीं मिलाई हूँ, जो मिट्टी मैं निकाली थी उसमें थोड़ा नया मिट्टी मिला के और अभी लगा रही हूँ। तो देखिए, धूप में पता नहीं चल रहा था, थोड़ा कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए, बहुत कम मैं अभी लगाई हूँ, नहीं तो जल्दी भर जाता है तो फिर जल्दी जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ता है। मैं 2 साल बाद इस पौधे को रिपोर्ट की हूँ फ्रेंड्स, और मैं छोटा सा पौधा ली थी और अभी देखिए हमारे पास कितने सारे पौधे हो गए हैं। तो समय के साथ फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे पौधे फ्री के तैयार हो जाते हैं।
तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ, और जो मिट्टी निकाली थी उसमें थोड़ा मिट्टी मिला के और वही मिट्टी से मैं इसको पूरे भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इस पौधे को रखना और केयर करना, तो इसे ज़रूर ही लगाइए। और इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हल्का सा रोशनी आए, शीशे के पास नहीं रखना है, तब शीशे के पास जब हम रखते हैं तो उसकी गर्माहट से भी इसके पत्ते जल जाते हैं। जहाँ पे रोशनी आए शीशे से थोड़ा हटा के रखना है, तो उस जगह पे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसमें देखिए मैं हल्के हल्के से गुड़ाई कर देती हूँ, इस बार मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। और फ्रेंड्स इसमें मैं ऊपर से एक स्पेशल खाद दूँगी जो आगे देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स जो भी पुराने पत्ते होते रहते हैं उसे हमें हटाते रहना है, और जो पत्ते सूखे हुए दिखते हैं तो उसे हमें कट करते रहना है। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिनों से इस पौधे को कोई भी केयर नहीं की थी, सिर्फ पानी दी थी और कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस पौधे को बहुत कम ही डालती हूँ, वैसे दे देना चाहिए। तो मैं इस पौधे को ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, और तब भी देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और तो हल्के से मैं गुड़ाई करके ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी निकाल ली हूँ। और फ्रेंड्स आज मैं इसमें जो खाद दूंगी, दोनों में दूंगी, तो देखिए पहले जो रिपोर्ट की हूँ उसमें भी मैं खाद नहीं दी थी, तो देखिए इसमें मैं चाय पत्ती का खाद दे रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा खाद होता है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे ही देती रहती हूँ। तो देखिए इस जगह पर हम किचन वेस्ट भी डाल सकते थे, पर नहीं, मैं सिर्फ चाय पत्ती यूज किया हुआ चाय पत्ती दे रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दी थी तो सूख गया है, तो यही मैं दो मुट्ठी करके दोनों में डाल देती हूँ। और जो बच जाएगा वो, और जो पौधे हम अलग किए हैं उसे जब लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा फ्रेंड्स, उसी मिट्टी में मिला देंगे। और दो मुट्ठी दे दी हूँ इसमें, और इसमें भी दे देती हूँ। तो चाय पत्ती का बहुत ही अच्छा खाद बनता है फ्रेंड्स, और उससे हमारे पौधे की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाती है। तो ऐसे मिट्टी में अगर हम बीज उगाते हैं, कटिंग उगाते हैं, तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स कटिंग भी तैयार हो जाता है, बीज भी जनरेट हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाद दे दी हूँ, अभी मैं अब कोई भी खाद इस पौधे को नहीं दूंगी। जो फ्लावर्स वाले है उसे मैं मार्च में दूंगी, अभी नहीं दी हूँ फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन बाद मार्च ख़त्म होते होते मैं उस समय भी थोड़ा थोड़ा फिर से खाद दूंगी। एक बार फरवरी में दिए थे, एक बार अभी हम देंगे, और इसके बाद हम बरसात के टाइम में ही हिबिस्कस समेत जितने भी हमारे पास फूल वाले पौधे हैं उसमें देंगे। और इसमें फ्रेंड्स इसके बाद अभी कोई भी खाद नहीं दूंगी, अब सीधा इसको बारिश का पानी मिलेगा, उससे ये इतने अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगा फ्रेंड्स ना। उसके बाद हम अक्टूबर में थोड़ा सा खाद देंगे, गुड़ाई गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई फ्रेंड्स बीच बीच में हमें करना चाहिए, जिससे कि इसकी मिट्टी हल्की रहती है। और फ्रेंड्स हमें इसकी ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके रूट में पानी ज़्यादा भरे रहता है, तो उसमें अगर लग जाता है चाकू तो फिर फ्रेंड्स वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं दोनों को रिपोर्ट कर ली हूँ, और इसको हम छाई वाले जगह में अब रखेंगे। तो देखिए इसके जितने भी पत्ते सूखे हुए हैं इसको हमें कट करके हटा देना है। और फ्रेंड्स इसको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ का मिट्टी हटा के और सही जगह पर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए सारे पौधे को मैं लगा दी हूँ, और हमारे पास अभी उतने सारे पॉट नहीं थे खाली, इसीलिए मैं बोतल से ही लगा दी हूँ। पोर्चुल का लगाने के लिए मैं बोतल खाली करके रखी थी, पेंट नहीं कर पाई थी इसलिए नहीं लगाई थी, तो उसी में मैं लगा दी हूँ। और कहीं कहीं पे रख दूँगी तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये पत्ते इसके देखने में, और धूप में रखा हुआ था इसीलिए ये सिकुड़ गया है, अगर हम छाए में रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। तो आज का टॉपिक आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट देना। और फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।